देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित गोराई दो गोराई परिसर में मादक पदार्थ का कारोबार करने वाला आरिफ शेख और उसका साथी संजय चेट्टियार गैंग ने यूट्यूबर विद्या देवी पर खुलेआम गोराई में मारपीट के इन दोनों सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाली यूट्यूबर विद्या देवी के वकील प्रशांत जावारे ने आरिफ शेख और उसका साथी संजय चेट्टियार गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त तथा न्यायालय में लिखित शिकायत की है कि एक आरिफ शेख बंदा है नाम का, जो मतलब हमारा 3 साल पहले मैं उसको भाई बोलती थी, फिर उन्होंने वो थोड़ा कहता ना माफिया टाइप है, ड्रग्स डीलर है, उसने हमें मुझे और मेरे मिस्टर को भी इस नशे की दुनिया में डाला था। उसके बाद कुछ कारण हुआ था, मैंने उसे हटा दिया था, मुझे नहीं चाहिए था वो भाई, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, इनको भी घर से भगा दिया था, बार बार मारने की धमकी दे रहा था। तो हमने बहुत सारे केसेस भी किए, पुलिस स्टेशन भी गई मैं 2 बार, एक बार फिजिकल भी गई मैं, फिजिकल जाके मैंने इनके ऊपर फिर से, जहाँ पे ये हुआ है ना कांड परसों, वहां पे एक बार और अगस्त में 2020 में, वहां पे उसी बंदे ने इनको 10 लड़कों के साथ लेके मारा था। तो मैं गाँव में थी क्योंकि मैं यात्रा पे रहती हूँ, मैं हमेशा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रह सकती। तो मैं वहां से आने के बाद मैं पूरी पुलिस स्टेशन गई, मैंने सारा बात वहां पे जो थे जो लेडीज थी उसने मुझे 2 घंटा बैठ के सारा बात पूछा। मेरे 2 घंटे तक उनके सब अच्छे गंदे सब सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये तक मुझसे पूछ लिया कि तुम कितनी बार सोई हो, कितनी बार उठी हो, तुम्हें कब पता चला तुम्हारा बच्चा है या तुम्हारा दुश्मन ही है, ये सारी बात थी। उसके बाद मैं वहां से मैंने वकील के साथ गई थी और मेरे साथ 2-3 महिला मंडल भी थी, लेकिन उसके बाद वो FIR कॉपी अचानक से गायब कर दी गई, वो उसका कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद हमने फिर कोर्ट में केस किया, उसके बाद उसके केस के बाद 1 तारीख नवंबर में, दिसंबर में, ऐसे अब तक कम से कम 15-20 तारीख पड़ चुकी है, वो आज तक वो बंदा आया नहीं है, मतलब कोर्ट में नहीं आया है। तो आप जब 2020 में गई थी तो FIR ले ली गई थी पुलिस द्वारा? ली, FIR लिखी गई थी मेरे सामने, लेकिन उन्होंने उसके बाद वो कॉपी गायब कर दी, मतलब वहाँ पे कुछ एक्शन ही नहीं लिया गया। उस बाद में 2-3 बार मेरा वकील गया, वो गए, कोई कॉपी नहीं, वो आपको मेरा वकील भी बताएगा आपको ये बात। उनका बैकग्राउंड किस तरह से है, जो आसिफ है और उसके साथ इनका मतलब बैकग्राउंड कैसा है? जब मुझसे मिलाया गया था तो ऐसे सेफ्टी के लिए, मतलब मेरा कैसा नाम है वो है, तो सेफ्टी के हिसाब से मिलाया गया था, और कुछ कारणों से उन्होंने मुझे नशे की दुनिया में डाल दिया था। परसों जो मैटर हुआ उस पे आपने, परसों का वीडियो ऐसा था कि देखिए, उसके पहले 3-4 बार ये बंदा, मैं जब भी यात्रा पे रहती थी तब तब ये बंदा आके इनको मतलब एक हरेसमेंट, बार बार इनके पीछे पड़ा मारने के लिए, जो कि आज से 3 साल पहले हमारा उनसे लेन देन खत्म हो गया। बोली ना मैंने केस कर दिया तो मैं उससे लेन देन नहीं करती थी 3 साल तक, वो कहीं दिखता भी नहीं था, आता था दिखता था ठीक है, लेकिन अभी कुछ 2-2.5 महीनों से वो लगातार हर 15-20 दिन पे, जब उसको पता चलता था कि मैं नहीं हूँ बॉम्बे में, तब वो इनके पास आके इनके सामने खड़े रहना, इनको टॉर्चर करना है ना, तो मैं 2 महीने से ढूंढ रही थी उसको कि कहीं ना कहीं मिले तो एक बार आमने सामने भाई बात करूं। और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था ना, क्योंकि मैंने भी अभी क्राइम ब्रांच से बात किया है दिल्ली में, तो उन्होंने भी कहा मैम आपके पास जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है वो 2020 की है, अभी फिजिकल क्या है आपके पास? फिजिकल तो हमें कुछ दिखाई है कि सामने वाला बंदा सच में अटैक करना चाहता है, मैं भी क्या करूं, वो मिल नहीं रहा है मुझे। लेकिन लकीली परसों ऐसा हुआ कि वो बंदा मुझे सामने रोड पे मिला, बैनर लगा रहे थे, तो आप समझ सकते हो अभी मेरे पति पे बार बार ये बात आ रही है, तो मैं तो जाके पूछूंगी ना, क्योंकि भाई मुझे इनकी जान तो प्यारी है ना, उन्होंने किया क्या, क्योंकि ये बंदे ने 3 साल से जो भी करके वीडियो मैं बनाती हूँ, झगड़े मैं करती हूँ, जो बातें मैं बात बोलती हूँ, इन्होंने तो आज तक किसी को कॉल भी नहीं किया है, तो इनके पीछे पड़ने का क्या मतलब है, और इनको मारने का मोटिवेशन क्यों, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। उस बात के लिए मैंने गाड़ी रोकी, मैंने खुद से गाड़ी रोक के उसको पूछना शुरू किया, तो उनके साथ जो लोग खड़े थे ना, उन्होंने, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, मैंने कभी मिली भी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम परसों देखा, उन्होंने अचानक से बोला आप जाओ जाओ जाओ, मैंने बोला मैं उससे बात कर रही हूँ, आप मुझे उससे बात करने दो, और वो अचानक से उससे मुझे गाली दी आरिफ शेख ने। तो भाई मेरे पति बाहर तो निकलेंगे गाड़ी के बाहर, जैसे ही ये बाहर निकले वैसे ही उन लोगों ने दूसरा मुद्दा उठा लिया कि पी के गाड़ी चला रहा है, ये चला रहा है करके 10-15 लड़कों ने इन पे अटैक शुरू कर दिया। वही प्रूफ तो मुझे चाहिए था और लकीली मुझे वही प्रूफ मिल गया, मतलब कहा ही था अगर सच में उसको दुश्मनी निकालनी है तो इनसे दुश्मनी निकालेंगे जरूर, और वही प्रूफ ये था। उन्होंने अचानक से इनको घेर के इनको धक्का वक्का मारा मारा। एक्चुअली ऐसा है कि मैं हमेशा यात्रा पे रहती हूँ, तो ये 2-2.5 महीने से ये आरिफ शेख बार बार मेरे मिस्टर को टारगेट कर रहा था, 2-3 बार आ रहा था जा रहा था, इनको मतलब बार बार सामने आके मारने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे ऐसा हुआ कि बार बार क्यों ऐसे कर रहा है, तो मैंने 2-3 बार उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लकीली परसों ऐसा हुआ कि मैं कुछ कहीं से बाहर से आ रही थी और वो मुझे सामने दिख गया रोड पे, तो मैंने जाकर उससे बात करने की कोशिश की, गाड़ी रोककर बात करने की कोशिश की,
तो कोशिश में वो मुझे मतलब वो लोग जो आदमी दो चार थे उन लोगों को मैं जानती नहीं, तो मैंने बात करने के साथ साथ मैंने वीडियो भी निकालना सोचा कि भाई कुछ होगा आगे तो देखू ना, क्योंकि कुछ हो सकता है, मार भी सकता है, क्योंकि दो तीन बार ऐसा हुआ कि वो आया और भाग गया। तो मैंने ऐसे वीडियो निकालते हुए उससे बात करी थी कि भाई तू क्यों ऐसे कर रहा है, मुझे बताओ तो सही कारण क्या है, बार बार क्यों बार बार आ रहा है, आप देखिए उसमें मैं बोल रही हूँ। तो अचानक से उसने मुझे गाली देना शुरू किया, इनको ड्राइवर बोलना शुरू किया, ड्राइवर है ये है वो है, वही पुराना किस्सा फिर से, मतलब उसका गुस्सा बाहर आ रहा था वो फिर से पुराना किस्सा वही शुरू कर रहा है। मैंने बोला ड्राइवर तो तुमने ही लाया था ना, मैं तो नहीं लाई थी, ऐसे बोल के बात करते करते उसने मुझे गाली दी। उसमें मेरे मिस्टर बाहर आए, मिस्टर बाहर आए और वो उन्होंने क्या मुद्दा हुआ, इनको इनकी औकात निकालने लगे, और पता नहीं कब मेरे बात करते करते कब ये लोग चार पांच जन जाके इनके ऊपर हाथापाई शुरू कर दिया। ऐसा हो मैं तो उनसे देखिए उम्मीद मेरी है उनसे, मैं उनपे भरोसा करती हूँ, इसलिए मैंने फिजिकल से ज्यादा ऑनलाइन मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स की है। आज भी ये जो वीडियो मैंने डाला है, जो मारी मारा का वीडियो, वो भी अपलोड आ ही गया, क्योंकि मैं अपने पति को बचाऊंगी ना, वीडियो निकालते तो खड़ी नहीं रहूंगी। लेकिन उसमें मैंने ये प्रशासन को जो भी कंप्लेंट की आज तक 2020 से मैंने ऑनलाइन शुरू किया, क्योंकि आपको पता है आजकल ऑनलाइन को कोई काट नहीं सकता। तो प्रशासन से यही उम्मीद है कि ये चीजों को जरा रोकिए, क्योंकि ये पूरा गोराई ड्रग्स माफिया हो चुका है। हमारे गोराई में एक साल के अंदर 12 लड़के मर चुके हैं इसी चक्कर में। तो मैं हाथ जोड़ के विनती यही करूंगी प्रशासन से कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, मुझे फिलहाल पुलिस स्टेशन नहीं आना, मुझे किसी को कंप्लेंट नहीं करना, मैं आप लोगों के जरिए ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि पहले तो इस बंदे को ये बात से रोके कि ये बार बार इन तक क्यों आ रहा है। इन तक आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 3 सालों में इन्होंने ना कभी उससे बात की है, ना कभी कॉल किया है, कुछ नहीं किया है, इन तक आने का क्या मतलब है। तो उस दिन जो हाथापाई उसमें झगड़े के दौरान क्या लगी है, चोट भी लगी? हाँ लगी है ना, देखिए ना, तो चोट लगी है, जबरदस्ती किया गया, और बहाना क्या मारा कि दारू पी के गाड़ी चला रहे, जो कि गाड़ी तो खड़ी थी, चली नहीं थी। आपकी फैमिली को किन लोगों से भय है, किस लोगों मुझे से तो मेरी फैमिली को तो ये आरिफ शेख और इनके जो भी कंपनी चल रही है आजकल उनसे है, अब वो कंपनी का नाम मुझे तो नहीं पता। वो एक्चुअली प्रतिभा को नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे कि प्रतिभा नहीं रहे, तो उनको भी कैसा इतना ड्रग्स दिया कि वो पागल हो गए, उनको भी कैसा रूम में बंद करके रखना पड़ता था। कि और मेरी मम्मी को भी ऐसा वो लोग ने टॉर्चर किया ना, अरे दीदी आप ये मत करो ऐसा, वो मत करो ऐसा, हम लोग तो रिक्वेस्ट कर देते, हम लोग तीनों भाई बहन हैं, हम लोग सब रोते थे कि प्लीज मत दो, जितना भी है कम दो, अगर आदत क्या बोलते हैं हम लोग आदत छुड़ा रहे, ऐसा बोल के हमारे घर पे 10-10, 15-15 लड़के लेके आना, उनको हम लोग पे नजर रखवाना, सब कुछ फालतू के लिए हो चुके। हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर एक टाइम आया कि मेरी मम्मी 3 दिन के लिए होश में ही नहीं आई, वो होली का टाइम था जैसे मम्मी ने बताया कि मम्मी 3 दिन के लिए होश में ही नहीं आई। तो उसके बाद हम लोग का झगड़ा हो गया, फाइनली हम लोग को ऐसा एक हुआ कि अभी हम लोग को झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा भी उस वक्त ऐसा वो लोग ने सबको हटा दिया था घर से, हम लोग 3 बच्चे ही थे घर में। तो 3 दिन जब होश में नहीं आया तो लोग ने पता नहीं ऐसा क्या मिला के दिया, फिर क्या गुस्से में दिया मम्मी को कि मम्मी एक ही बात बोल रही थी कि प्रदीप को बुलाओ प्रदीप को बुलाओ। उन्हें प्रदीप भाई को भी इतना वो किया कि उनको भी हटा दिया घर से, उनको भी उनके घर पे रखना पड़ा, ध्यान देना पड़ा, हम लोग भी अपनी मम्मी को ध्यान दे रहे थे। उन लोगों ने ऐसा क्या डाल के दिया, मारने की पूरी प्लानिंग थी। तो फिर हम लोग ने झगड़ा किया कि आप आज से आओ मत, तो लोग इमोशनल ड्रामा, वो बहुत इमोशनल ड्रामा, आरिफ ऐसा इमोशनल ड्रामा आपके साथ में इतना रोएगा गाएगा। वो लोग ना हम लोग बच्चे लोग ऐसा मेंटली टॉर्चर करते थे कि तुम लोग की मम्मी बहुत अच्छी, और उस उनके ग्रुप के कुछ है जो लोग मम्मी की अच्छाई देख के कैसा बोले कि अरे बंद करते, अच्छी औरत है, अपने लिए बहुत सोचती है, सब करती है। उसका बर्थडे था, मेरी मम्मी ने उसके पीछे 10 लाख रुपये बर्थडे में खर्चा किया, हम लोग बस वो सब भी फोटो थी। तो वो उस वक्त रोया कि अरे कितनी अच्छी औरत है, पर उसको इतनी भी दया नहीं आई कि ठीक है मैं बंद करूँ, इतना पैसा मिल रहा है। तो फिर मतलब ये रिश्ता टूटने का पूरा वजह सिर्फ ड्रग्स था, सिर्फ यही है। हम लोग साथ में थे, हम लोग जा रहे थे, हमारे रास्ते से जा रहे थे, दीदी को लोग ने देखा नहीं, दीदी ने उनको देखा तो दीदी बोलती उधर जाके आते, बार बार एक ही बार सॉल्व कर देते। उधर हम लोग गए रुके, दीदी नीचे उतरी, दीदी नीचे उतरी तो हरीफ से उनको बात कर रही थी, तो बात करते करते हरीफ से नजीक आ रहा था। तो उतने में मैं थोड़ा साइड में था, दीदी के साइड में था, तो गाली वाली दिए तो उन्होंने सामने से गाली दिया, फिर दीदी ने भी गाली वाली दिया, तो बाद में वो लोग हाथापाई पे आ गए सीधा, दीदी को गाली वाली देने लगे। तो मैं बीच बीच में तब तक गाली दिए, तब तक जीजा भी नीचे उतर गए, फिर हम लोग साइड में हो गए तो जीजा के ऊपर सीधा हमला कर दिया। उसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो आता है बार बार भाई से पंगा लेता है, दीदी को उल्टा उल्टा है, दुश्मनी निकलता है,
जो विलास भाई ने बताया वही देखा था। हम लोग जा रहे थे तो दिख गया दीदी को, तो दीदी बोले किले रहे, तो हम लोग रुक गए, तो दीदी बात कर रहे थे उनसे, तो उसने गाली दिया दीदी को, तो दीदी ने भी गाली दी, तो गाली देते देते दीदी ने बोले कि मैं वीडियो निकाल, तो वीडियो निकाल रहे थे दीदी, तो ये लोग आरिफ से दीदी के पास आ रहा था, तो विलास भाई दीदी के साथ में थे, तो प्रदीप भाई नीचे उतरे, तो मैं उनके बाजू में था, बाजू में था तो उन्होंने डायरेक्ट आ गया, आरिफ आंग पे आ रहा था, तो हम लोग उसको पकड़ रहे, बोले भाई मार रहे क्यों, मार रहे क्यों, तो उल्टा बोल रहा था हम लोग, तो गाली गलौज कर रहा था, तो प्रदीप भाई को अचानक से धक्का दे दिया, धक्का दे दिया तो वो गिर गए, गिरने के बाद फिर दीदी को, दीदी बीच में आए तो दीदी को भी पेट में लग गया था, तो दीदी को विलास भाई साइड पे लेके जा रहे थे, फिर हम लोग सबको छुड़ाए। अगर ये जैसे ये दोनों थे, मैंने वो भी वहां पे देखा कि ये जैसे मेरे साथ खड़े हैं वहां पे, तो वहां पे कोई ब्लू शर्ट वाला आदमी था, उन्होंने इनको डायरेक्ट बोल रहे थे तुम जाओ, मतलब कोई मदद करने आ भी रहा है हमारी, तो उनको हटाया जा रहा है कि आप जाओ यहाँ से, इसको बोल देंगे उसको बोल देंगे, और ये क्या है, कोई मदद भी नहीं कर सकता, बीच में मत आओ, मतलब क्या है कि हमारी बहन है, इनको भगाया रहे तो बीच में से जाओ मत, और इनको बाहर जैसे निकले, सीधी बात है, तो इनके ऊपर हाथापाई क्यों शुरू किया, मुझे वो समझ में नहीं आया कि वो बंदे को क्या जरूरत था। भाई बहन माना तो बहन का रक्षा करना हमारा फर्ज है ना। देखो शिकंजा की तो दूर की बात है, सबसे पहले तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट FIR दर्ज नहीं कराई अभी तक, तीन साल से हमने नहीं बोल के 50 से 60 कंप्लेंट इस आरोपी के और इसके पूरे गिरोह के खिलाफ हम लोग ने कर दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने हमारे एक दो बार स्टेटमेंट लिए, लेकिन उसके बावजूद कोई भी FIR रजिस्टर अभी तक हुई नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास एक ही प्रावधान होता है जो है कोर्ट, कोर्ट में हम लोग ने केस फाइल किया है, कोर्ट से हमें ऐसी अपेक्षा है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। सर अभी तक कितने लेटर वर्क किए हैं आपने, क्या क्या धारा है उसमें है? 50 से भी ज़्यादा, जिसमें 354, 307, 324 ऐसे, और NDPS एक्ट के तहत बहुत सारे उसमें हम लोग ने ऐसे कंप्लेंट किए हैं, लेकिन उस पर पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई की नहीं गई है। सर आरोपी का हम बैकग्राउंड की बात करें तो किस तरह के बैकग्राउंड है आरोपी का? आरोपी तो देखने गया तो अभी जो संदिग्ध होने मैंने जो उसमें दिया है जी, बहुत ही खतरनाक किस्म के आरोपी इसमें, और इनका पूरा सिर्फ वो आरोपी नहीं, इनका सारा गिरोह इसमें शामिल है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सर आपके आपके तरफ से क्या दलील पेश की गई थी? हमने ACP, DCP, CP और सीनियर पुलिस स्टेशन इसमें सब में केसेस की है, वहाँ से हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसके लिए हम अभी न्यायालय में केस दर्ज करिए। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर देखिए मेरा ऐसा कहना है कि जैसे अभी वकील साहब ने, किशन जोड़े जी ने बताया कि पिछले 3 सालों से वो लोग यहाँ पर लेटरबाजी कर रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं पुलिस स्टेशन में। आपको मैं याद दिला दूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट लेकर जाता है और उसमें अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, तो पुलिस वाले की सबसे पहली ड्यूटी होती है कि FIR रजिस्टर करें, उसके बाद मैटर को इन्वेस्टिगेट करें। जैसा इन्होंने बताया कि इसमें उन जो आरोपी हैं उन लोगों ने बहुत ही हीनियस क्राइम कमिट किया है, जैसा कि उन्होंने बताया प्रेग्नेंट होने के बावजूद उनके पेट पर लात मारना, बाकी सारी चीज़ें जो है बहुत ही हीनियस क्राइम होता है हमारे यहाँ देखने जाए तो। मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले पुलिस को FIR लेना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, जो कि पुलिस नहीं कर रही है। इसका मतलब इसके पीछे जो आरोपी है वो बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल है और उनका हमेशा का ये कारोबार रहा है ये सारे गुनाह करने का, जिसके भयभीत होकर पुलिस भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन ले नहीं रही है। और अब इसके बाद इन्होंने जैसे यहाँ की पुलिस स्टेशन में कोई भी FIR नहीं ली, तो उन्होंने प्रोसीजर के हिसाब से जो हमारी कानूनी प्रोसीजर है उसके हिसाब से हायर अथॉरिटी को भी दी, तो हायर अथॉरिटी को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी लिया नहीं इस बारे में संज्ञान, इसलिए अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट कोर्ट में हम आए हैं, कोर्ट से हमारी यही दरख्वास्त है कि एक लेमैन, एक मामूली आदमी जो पुलिस स्टेशन जाता है अपनी शिकायत लेकर, वहाँ उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो कोर्ट उस मैटर का संज्ञान ले और उसमें जो भी ऑर्डर हो सकता है, जैसे कि FIR करने का ऑर्डर का डायरेक्शन दे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, उनके कंसर्न पुलिस स्टेशन को, FIR रजिस्टर करे और जो आरोपी है इनके पीछे उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, उनके ऊपर एक्शन। थैंक यू।